सिस्ट के लिए पहली पात्रता परीक्षा नवंबर में यानी कि दवा बिक्री लाइसेंस के लिए जरूर कर दी गई। तो फार्मेसी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि फार्मेसी काउंसिल ने निबंधन व खुदरा दवा बिक्री के लिए लाइसेंस के लिए उत्तीर्ण होगी पात्रता परीक्षा, जिसके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित कराई जाएगी, जिसको देना कंपलसरी होगा। तो यानी कि दवा दुकानों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जिसके तहत दवा बिक्री के लिए लाइसेंस के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को यह परीक्षा देनी होगी। उसी के तहत यह परीक्षा डिप्लोमा इन्हें फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम के नाम से जानी जाएगी, जिसको अब नवंबर माह में कराया जाएगा। उसी के तहत यह परीक्षा आपकी साल में 2 बार कराई जाएगी। उसी के तहत आप देख सकते हैं कि इस परीक्षा में नहीं होगी अवसर की सीमा, यानी कि इस परीक्षा को देने के लिए कोई भी लिमिट क्राइटेरिया नहीं रखी गई। साल में 2 बार कराई जाएगी ये परीक्षा। तो उसी के साथ ही में प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध अभी नहीं लगाया जाएगा, जिसमें सिलेबस आपका पूछा जाएगा फार्मास्यूटिकल फार्माकोलॉजी फार्माकोग्नोसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी फार्मास्यूटिकल जूरिसप्रूडेंस तथा ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे अंग्रेजी भाषा में परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक पात्रों की परीक्षा जो आपकी 3 घंटे की होगी, इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सभी 50% अंक लाने होंगे। अभ्यर्थियों को 3 प्रश्नपत्रों में एक ही बार में उत्तीर्ण करनी होगी। तो इसलिए सामने निकल निबंधन व प्रैक्टिस के लिए अनिवार्य होगा प्रमाण पत्र। तो यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम जो उत्तीर्ण होने के बाद फार्मासिस्टों को निबंधन और प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसको आपको PCI में सबमिट करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए।